दैनिक परमार्थ आवाज अब नए अवतार में। परमार्थ आवाज डिजिटल न्यूज चैनल, राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवाज पर। आप हमें हमारे वेबसाइट www.parmarthawaz.com पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी देख सकते हैं। बार एसोसिएशन सवाजपुर अध्यक्ष जितेंद्र मिश्र लाल ने तहसील सवाजपुर में अधिवक्ता सुरक्षा कानून पास कर लागू करने की मांग उठाई। आपको बता दें, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश 14 सितंबर 2023 सवाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्र लाल ने एडवोकेट की अगुवाई में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आह्वान पर तहसील न्यायालय सवाजपुर तहसील पर अधिवक्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि हमापुर के अधिवक्ताओं समाज के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताते चले, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित कई अधिवक्ताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन, साथ ही हापुर पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, तहसील परिसर में किया विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता सात गुप्ता, ऋतिक पाली की खास रिपोर्ट। जो आज अधिवक्ता संघ ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या कारण रहा इसका? ये अभी आपको जानकारी होगी कि हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ हापुड़ की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उसमें कई अधिवक्ता घायल हुए हैं, महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया है। इस संबंध में पहले हापुड़ में इस संबंध धरना प्रदर्शन चल रहा था और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद में ये लोग जा रहे थे, तब तक पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई अधिवक्ताओं की चोटें आईं और कई महिलाओं की चोटें आईं। इसी विरोध में हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन। आपका नाम क्या? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा। अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मिश्रा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आप? जी हाँ, मैं बार एसोसिएशन सवाजपुर का अध्यक्ष। धन्यवाद।